गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर मृणाली चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉटनी की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मुक्त गमन विसरण कहलाता है। विसरण को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी कमरे के कॉर्नर में इत्र की शीशी खोले जाने पर उसकी महक कमरे में चारों ओर फैल जाती है। इत्र के अणु जो कि एक छोटी सी शीशी में बंद थे, खोले जाने पर मुक्त गति करके पूरे कमरे में फैल जाते हैं, जिस कारण से उसकी महक हमें सभी ओर आती है। अणुओं का इस प्रकार का जो मुक्त मूवमेंट होता है, जो मुक्त गति होती है, वह गति विसरण कहलाती है। आप देख सकते हैं स्लाइड में बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ अणु अपनी मुक्त गति कर रहे हैं। जहां पर उनकी सांद्रता अधिक है, उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर वह मुक्त गति कर रहे हैं। यह गति विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले इससे संबंधित दो तथ्यों को समझना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो कि एक निश्चित साइज के अणुओं को अपने पार जाने देती है। इससे छोटे आकार के अणु पार जा सकते हैं, जबकि बड़े आकार के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के से पार नहीं हो सकते। दूसरा, सॉल्यूशन या विलयन। विलयन किसे कहते हैं? किन्हीं दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है या सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन का में तरल जो रूप है उसे सामान्यतः हम सॉल्वेंट कहते हैं। जो तरल, यह सॉल्वेंट में किसी अन्य पदार्थ को खोले जाने पर, जो कि सॉलिड, लिक्विड अथवा गैस हो सकता है, जो इसके घुलने पर जो समांगी मिश्रण बनेगा वह सॉल्यूशन कहलाएगा। घुलने वाला पदार्थ सॉल्यूट या विलेय है, जबकि विलय जिसमें घुला जाता है वह विलायक कहलाता है, और दोनों के घुलने के बाद बनने वाला पदार्थ सॉल्यूशन कहलाता है। सामान्य रूप से किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता को उसके विलय या सॉल्यूट की सांद्रता के आधार पर सांद्रता के रूप में दर्शाया जाता है। जीवों में जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, इसलिए आगे की पढ़ाई में, क्योंकि हम बॉटनी से रिलेटेड हैं एवं सेल्स के का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए विलायक के रूप में जल को लेकर ही आगे के अध्ययन करेंगे। अब यदि हम किसी विलयन, किन्हीं दो विलयन को जिनकी की सांद्रता असमान है, को किसी एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर दर्शाए गए चित्र में ए एक ऐसा विलयन है जिसकी की सांद्रता कम है, अर्थात जिसमें सॉल्यूट्स की सांद्रता कम है, और बी एक ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता अधिक है, अर्थात इसमें सॉल्यूट्स की सांद्रता अधिक है। इन दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा सेपरेट यदि कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जल के अणु बी विलयन में ए से प्रवेश करेंगे। ए विलयन से जल की गति बी विलयन की तरफ होने लगेगी, और धीरे धीरे करके इस बी वाले क्षेत्र में जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और यह गति तब तक चलेगी जब तक कि दोनों विलयन्स में की सांद्रता समान नहीं हो जाती।
पदार्थों का अर्ध विलयन विलायक के अणुओं का किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर यह जो गमन होता है यह गमन ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। परासरण की अंतिम अवस्था में यद्यपि दोनों ओर के विलयनों का की सांद्रता समान हो जाती है परंतु क्योंकि अणुओं में ऊर्जा होती है इस कारण से अणुओं की गति यहाँ पर समाप्त नहीं होती बल्कि ए से जितने अणु जिस दर से अणु बी में प्रवेश करते हैं उसी दर से बी से भी ए में विलायक के अणु प्रवेश करते हैं जिस कारण से यहाँ पर एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम या गतिक साम्य होता है, यहाँ पर स्थिर साम्य नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यद्यपि बी विलयन की सांद्रता ए से अधिक थी परंतु विलायक के अणुओं की गति कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ हुई है। सांद्रता अधिक होने के कारण इस साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए विलय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से के पार नहीं जा सकते थे क्योंकि विलय के अणु का आकार बड़ा होता है। इस कारण इस अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति के कारण विलायक के अणु ही ए से बी की ओर गति करते हैं और अल्टीमेटली स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होती है। अतः ऑस्मोसिस को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण विलायक के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं से ऑस्मोसिस कहते हैं। कोशिकाओं के संदर्भ में बात करें तो कोशिकाएं तीन प्रकार के माध्यम में उपस्थित हो सकती हैं। पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा विलयन है या माध्यम है जिसकी सांद्रता कोशिका के जीवद्रव्य की सांद्रता से कम होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे होने पर ऑस्मोसिस के नियम अनुसार जल बाह्य माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा एवं यह प्रक्रिया एंड ऑस्मोसिस कहलाएगी। लेकिन यदि कोशिका ऐसे माध्यम में उपस्थित है जिसकी सांद्रता कोशिका के जीवद्रव्य की सांद्रता से अधिक है ऐसे माध्यम को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई कोशिका में जल कोशिका से बाहर की ओर निकलेगा। कोशिका के से जल के बाहर निकलने की प्रक्रिया एक्स ऑस्मोसिस कहलाएगी। अब यदि कोशिका ऐसे माध्यम में उपस्थित है जिसकी सांद्रता कोशिका के जीवद्रव्य की सांद्रता के समान है तो ऐसे माध्यम को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखे होने पर कोशिका से जिस दर से जल के अणु बाहर की ओर निकलेंगे उसी दर से जल के अणु कोशिका के भीतर की ओर भी प्रवेश करेंगे अर्थात कोशिका बाह्य माध्यम के साथ इक्विलिब्रियम की स्टेट में उपस्थित होगी। अब बात करते हैं प्लास्मोलाइसिस की। प्लास्मोलाइसिस क्या है? प्लास्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन यदि किसी कोशिका को अधिक सांद्र माध्यम में या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा समय तक रखा जाए तो एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जल कोशिका से बाहर की ओर निकलेगा। प्रारंभिक अवस्थाओं में जल के बाहर निकलने पर प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति से थोड़ी दूर हो जाएगी
और यहाँ पर रिक्त स्थान उपस्थित होने लगेगा। लेकिन अधिक समय तक ऑस्मोसिस होने पर, एक्सऑस्मोसिस होने पर कोशिका से अधिक मात्रा में जल बाहर निकल जाएगा, जिससे प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच रिक्त स्थान बढ़ने लगेगा। बढ़े हुए रिक्त स्थान में बाह्य माध्यम अर्थात हाइपरटनिंग सॉल्यूशन प्रवेश करने लगेगा और अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी जबकि कोशिका झिल्ली एवं उसके अंदर उपस्थित संपूर्ण द्विद्रव्य सिकुड़ कर केवल कोशिका में एक सीमित क्षेत्र में ही रह जाएगा। यह अवस्था द्विद्रव्य कुंचन कहलाती है या प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। लंबे समय तक प्लाज्मोलाइसिस की अवस्था में रहने पर कोशिका की प्लाज्मा कलाई या कोशिका झिल्ली अपने अर्धपारगम्य नेचर को खो देती है। उसमें उपस्थित प्रोटीन 7 एंजाइम्स सामान्य प्रकार से क्रिया या अपना सामान्य नेचर खो देते हैं। इस कारण से कोशिका के अंदर उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थ एवं कोशिकांग भी कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर निकल आते हैं और अंततः कोशिका की मृत्यु हो जाती है। द्विद्रव्य के प्रारंभ होने की अवस्था जहाँ पर कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग होना प्रारंभ होती है, इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है, जबकि द्विद्रव्य कुंचन की अंतिम अवस्था कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने विसरण एवं परासरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जाना।